हाय गाइस, जेमिनाई कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो गाइस, हम करेंगे आपकी फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग. सो अगर आपका सन साइन या मून साइन जेमिनाई है तो ये रीडिंग आपके लिए है. चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग जेमिनाइज. सो जेमिनाइज के लिए फेब्रुअरी मंथ, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी थीम क्या रहेगी फॉर फेब मंथ. सो बेसिक थीम क्या रहेगी जेमिनाइज के लिए फॉर फेब मंथ. सो वी हैव कर्मा, होप एंड वी हैव वर्क. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कर्म का महीना है ये आपके लिए. फेब्रुअरी का मंथ जेमिनाइज, ये कर्म का महीना है. जितना कर्म करोगे उतनी ही आप होप कर सकते हो कि आपकी लाइफ में अच्छा होगा. एंड ऑल्सो अबाउट कि ये मंथ इट्स ऑल अबाउट कर्मा, इन द सेंस कि आपने जो भी अच्छा करा है उसका रिजल्ट आपको इस मंथ में मिल सकता है. जैसे आपके पिछले एफर्ट्स रहे हैं उस हिसाब से आपको इस मंथ जो है वो रिजल्ट मिल सकता है. ओके, जिस चीज़ की आपको होप है ना इस मंथ, वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो सकती है. और यहाँ पे आपका वर्क लाइफ भी बहुत अच्छी हो सकती है. आपके वर्क के रिलेटेड कुछ अच्छा न्यूज़ मिल सकती है आपको. आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो इन रिगार्ड्स टू योर वर्क लाइफ, योर करियर. एंड यहाँ पे आप ऐसा कुछ भी मत करना जिस वजह से जो आपका कार्मिक अकाउंट है वो और बिगड़े. इट मीन्स कि एनी थिंग दैट कैन यू नो दैट कैन बी अगेंस्ट यू, लाइक ज़्यादा गुस्सा करना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना. बिकॉज ये मंथ एक्चुअली में काफ़ी कार्मिक मंथ रहेगा. तो आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे. सो मेक श्योर यू थिंक पॉजिटिव, बी होपफुल. और इस मंथ जितने कैंडल्स या दिया आप लाइट कर सकते हो शाम के टाइम, रोज लाइक एक कैंडल या एक दिया, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपके लिए. और इस मंथ आपका मेन फोकस जो रहेगा वो अपने वर्क पे रहेगा, अपनी वर्क लाइफ पे रहेगा, अपने करियर पे रहेगा. और देखते हैं फेब्रुअरी मंथ फॉर जेमिनाई. वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स. सी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है एंड वर्क भी आया है. तो येस, इस मंथ वर्क रिगार्डिंग कुछ बड़ी अच्छी न्यूज़ मिल सकती है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे आपके करियर लाइफ. बैलेंस एंड वी हैव रिलीज. ओके, सो येस, यहाँ पे लग्जरी, इंडिपेंडेंस. सो अगर आप लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे टू फाइनेंशली मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना है और मुझे अपना करियर खुद स्टैब्लिश करना, तो ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. इस मंथ एक्चुअली में आपकी जॉब लग सकती है अगर जॉब नहीं है, और अगर है तो और अच्छा प्रमोशन हो सकता है आपको, या आप जॉब स्विच भी कर सकते हो. पुरानी कंपनी को छोड़ के आप नई कंपनी में शिफ्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको पैकेज अच्छा मिल रहा है, ये भी हो सकता है. बट यस, इस मंथ काफ़ी लग्जरी वाली लाइफ आप जियोगे अपने पैसों से. प्रोबेबली आप कुछ ना कुछ अच्छा खरीद रहे हो या कुछ गिफ्ट कर रहे हो अपने पेरेंट्स को या अपने सिबलिंग्स को, अपने पार्टनर को. ओके, इस मंथ आप काफ़ी ज़्यादा संभल के चलोगे. इसे कर्मा कार्ड भी था आपके, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज बैलेंस कार्ड भी है. यहाँ पे आप अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान रख रहे हो. इस मंथ आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, आप बहुत सोच समझ के कदम रख रहे हो. ज़्यादा किसी से आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हो, ज़्यादा आप जंक फूड भी नहीं खा रहे हो, पानी ज़्यादा पी रहे हो और एक्सरसाइज भी कर रहे हो और मॉडरेशन में जी रहे हो. आप ये नहीं कि आप एक्सेस में ही कुछ ज़्यादा कर रहे हो, आप बहुत बैलेंस लाइफस्टाइल इस मंथ जियोगे. जितना आप प्रैक्टिकल रहोगे उतना ही आप इमोशनल, इट मीन्स कि एक बैलेंस बना बना रहेगा आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी इमोशनल लाइफ में. आप ओवर सेंसिटिव भी नहीं हो रहे हो और ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहे हो. आप एक बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन करके रख रहे हो दोनों सिचुएशन के बीच में. और यस, आपका जो माइंड है वो काफ़ी शांत रहेगा इस मंथ. एंड यहाँ पे कुछ चीज़ों की एंडिंग कर रहे हो आप खुद ही, जो टॉक्सिक हैं आपके लिए, ताकि आपको उन चीज़ों से, उस बर्डन से आपको फ्रीडम मिल सके. या तो एक एक साइकिल ऐसी एंड हो रही है जो कि बहुत ही अजीब थी, जो कि बहुत ही नेगेटिव थी, जो आपकी सक्सेस और ग्रोथ को रोक रही थी, वो साइकिल एंड हो रही है, वो दूर जा रही है. तो आपकी लाइफ में फाइनली ये पीस आ रहा है, कंटेंटमेंट आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो, आप चिल कर पा रहे हो फाइनली. और आपको फ्रीडम मिल रहा है बहुत सारी चीज़ों से, वो नेगेटिव इमोशंस या वो जो ताने लोग आपको मारते थे, या ऐसा एक गिल्ट जो था आपके अंदर, या एक ऐसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है. तो वो चीज़ें जो हैं आप रिलीज़ कर रहे हो और एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को आप इस मंथ इन्वाइट कर रहे हो.
और देखते हैं हम लोग फॉर जेमिनाइज इन फेब्रुअरी. वी हैव डोमेस्टिक हार्मनी. यस, इस मंथ आप ज़्यादा किसी से उलझ नहीं रहे हो. लाइक इट्स लाइक कि आप प्लस लगा बहुत ज़्यादा लोगों को ना एक्सप्लेन कर रहे हो ना उलझ रहे हो, तो आपके घर में एकदम शांति बनी रहेगी, कोई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे इस मंथ. सिंक्रोनिसिटी, तो इस मंथ आपको काफ़ी सारे एंजल नंबर्स या काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड हो, जो आपके पास से लिंक्ड हो, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा वो इसलिए हुआ बिकॉज ये चीज़ होनी थी. तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सुलझती हुई नज़र आएंगी इस मंथ, और एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ सिंक्रोनस इवेंट्स होंगे आपके साथ इस मंथ, तो आप काफ़ी हैप्पी रहोगे. देन वी हैव टीचिंग एंड लर्निंग. तो आप में से काफ़ी लोग शायद जो दे वॉन्ट टू बी ए टीचर, तो आपको ऐसी जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल सकती है टू टीच समथिंग और टू ऑप्ट फॉर करियर इन टीचिंग. एल्स यहाँ पे ये है कि आपने जो कुछ भी सीखा है वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे आपने कोई कोर्स करा है, चाहे आपने कुछ पढ़ाई करी है उसके रिगार्डिंग, या आपने कुछ लाइफ लेसन सीखे हैं, तो आप उसको प्रैक्टिकली टेक्निकली इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ताकि आप आगे जो है वो अच्छा कर सको. यहाँ से देखते हैं फॉर जेमिनाई. वी हैव यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल. ये ऐसा आपका रोल बिल्कुल डिफरेंट होगा इस मंथ. जो आप अब तक प्ले करते आए हो रोल जैसे आप थे, आप उसे एकदम डिफरेंट पर्सन आप बन रहे हो. इट मीन्स कि आप काफ़ी ज़्यादा एक जिम्मेदारी उठा रहे हो, शांत रह रहे हो, एक अलग ही पर्सनैलिटी दिख रही है आपकी ज़िंदगी में, और आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो उस नए रोल को. देन वी हैव ग्रेट पैशन. आई थिंक जिस चीज़ों के लिए आप पैशनेट हो वो पैशन आप फॉलो कर रहे हो, और अगर कोई आपके लिए पैशनेट है तो वो इस मंथ एक्सप्रेस करेंगे विथ अ फ्लावर एज और वैलेंटाइंस भी है. अनसक्सेसफुल प्लान्स, तो जो प्लानिंग जो आपकी नहीं हो पाई थी पहले, जो प्लान्स आपके अधूरे रह गए थे, वो आप किसी ना किसी वे में जो अपना रास्ता है वो निकाल ही लोगे. तो इट मीन्स कि कोई ना कोई रास्ता आपको डिवाइन दिखाएंगे इस मंथ, जिस वजह से जो आपके प्लान्स थे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे. एडवाइस देखते हैं फॉर यू जेमिनाई. वर्क थ्रू योर फीलिंग्स. यस, आप क्या फील करते हो, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या करना है लाइफ में, उस पर वर्क करो. राइट, जस्ट सोचो मत, उस पर एक्चुअली में वर्क करो. देन वी हैव गो वाइल्ड. इट्स लाइक सच अ कूल कार्ड, गो वाइल्ड. तो इट्स ऑल अबाउट कि इस चीज़ के लिए भी हम पैशनेट हैं, जो भी हम चीज़ करना चाहते हैं लाइफ में, कभी कभी हम ना वो कर नहीं पाते हैं, हमें उतने गट्स नहीं होते. जस्ट गो वाइल्ड, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट डू इट. राइट, इफ़ यू लव समबडी जस्ट कन्फेस इट टू देम. या इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी समथिंग, जस्ट गो एंड स्टडी दैट. लाइक कोई कुछ करना है आपको, कुछ क्रिएटिव टैलेंट है, जस्ट डू दैट. सो जस्ट गो वाइल्ड एंड जस्ट डू दैट. लाइफ एक ही बार मिलती है. नो यू आर लव्ड, और सब लोग आपको इस मंथ बहुत प्यार करेंगे. इन इवन डिवाइन ऑल्सो लव्स यू अ लॉट, यूनिवर्स लव्स यू अ लॉट. सो डोंट वरी एंड डो नॉट एवर फील कोई आपसे प्यार नहीं करता है, बिकॉज होल यूनिवर्स लव्स यू. एंड दिस मंथ यू विल फील कि एक्चुअली में जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. ओके जेमिनाइज, ये है आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको हेल्प मिली हो. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.